नवी मुंबई के कोपरखेरने में आयोजित धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2021 क्रिकेट चैंपियनशिप पलक 11 की टीम ने जीत लिया है। शिवसेना युवा नेता प्रवीण महात्रे द्वारा भूमिपुत्र मैदान में आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और उपनेता विजय नाहटा के हाथों किया गया। 20 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे धर्मवीर आनंद दिघे चषक के फिनाले में सांसद राजन विचारे, जिला प्रमुख विठल मोरे समेत शिवसेना के कई नेताओं ने शिरकत की और रोमांचक क्रिकेट का आनंद भी लिया। देखिए रिपोर्ट। कोपरखेरने में आयोजित क्रिकेट के महाकुंभ धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2021 का फाइनल मैच कोपरखेरना की टीम पलक 11 ने जीत लिया है। पलक 11 कमर्शियल क्रिकेट टीम को हराकर स्थानीय क्रिकेट में अपना नया रिकॉर्ड बनाने में भी सफल रहा। फिनाले में उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों का रोमांचक मैच देखकर राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और शिवसेना उपनेता विजय नाहटा भी प्रभावित रहे। विजेता टीम पलक 11 को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, उपनेता विजय नाहटा और सांसद राजन विचारे ने खिलाड़ियों को बधाई दी। वहीं उत्कृष्ट एवं अनुशासित खेल आयोजन के लिए युवा नेता प्रवीण कालूराम मात्रे की भी सराहना की। इस अवसर पर जिला प्रमुख विठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर समेत कई नेता मौजूद थे। आइए सुनाते हैं शिवसेना नेताओं ने क्या कुछ कहा। धर्मवीर आनंद दिघे साहब प्रवीण मात्रे के हमारे गुरु थे, उनके साथ उन्होंने काम किया और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आनंद दिघे साहब के नाम से ये क्रिकेट स्पर्धा लास्ट 20 साल चलाई है और इसका नियोजन बहुत भव्य होता है। इसमें जो पारितोषिक दिए जाते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे दिए जाते हैं। इसमें टीम्स जो शरीक होती है वो बहुत अच्छी अच्छी टीम शरीक होती है और आपने देखा हजारों की संख्या में स्पेशली यंग जो लोग हैं, बच्चे जो है, यंग बच्चे ये स्पर्धा देखने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा काम प्रवीण म्हात्रे करते हैं, उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उसका जन्मदिन है, उसकी भी शुभेच्छा उनको देता हूँ। और जिस तरह से सामाजिक या क्रीड़ा क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, इससे उच्च तरीके से उन्होंने काम करना चाहिए, ये भगवान की चरणी प्रार्थना करता हूँ। सर्वप्रथम मी प्रवीण म्हात्रे यांचं आज वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी धर्मवीर चषक गेली 20 वर्ष सातत्याने या ठिकाणी भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेचं जे ठाणे जिल्ह्याचं आमचं दैवत आहे ते आमचे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या नावाने या क्रिकेटची स्पर्धा मला वाटतं नवी मुंबई शहरामध्ये प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही स्पर्धा भरवली जाते आणि ज्याच्या आतुरतेने हे नवी मुंबईकर वाट बघत असतात अशा त्या भव्यदिव्य क्रिकेट स्पर्धेचा आज सांगता सोहळा या ठिकाणी आज बक्षीस समारंभ सोहळा आदरणीय आमचे महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री सुभाष देसाई साहेब यांच्या उपस्थितीत आणि आमचे नेते विजय नाहटा असतील, आमचे जिल्हाप्रमुख विठ्ठलरावजी मोरे असेल, द्वारकानाथजी भोईर असतील, आमच्या महिला आघाडीच्या प्रमुख रंजनाताई आणि सर्व सन्मान्य नगरसेवक या ठिकाणी या भव्य दिव्य स्पर्धा आयोजित केल्याबद्दल मी प्रवीण म्हात्रे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांना धन्यवाद देईल आणि आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करतो की त्यांच्या हातून असंच चांगलं कार्य घडो। बताना जरूरी है कि धर्मवीर आनंद दिघे चषक 2021 का आयोजन युवा सेना पदाधिकारी प्रवीण कालूराम म्हात्रे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था। इस आयोजन की जानकारी देते हुए खुद युवा नेता प्रवीण म्हात्रे ने कहा कि स्वर्गीय आनंद दिघे उनके गुरु हैं और क्रिकेट टूर्नामेंट उनकी स्मृतियों को युवाओं में बरकरार रखने का एक जरिया है। उन्होंने बेटी के नाम पर शुरू की गई पलक 11 टीम का जिक्र करते हुए कहा कि नाम बदलने के बाद पहले प्रयास में ही टीम विजेता बन गई है, जिसकी खुशी है। धर्मवीर आनंद के साहब के मेरे जो गुरु है, जो हम सभी शिवजनों के गुरु है, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए अलग खास जगह है। तो ये नाम देने का वही मकसद था कि दिघे साहब की जो स्मृति है वो हमारे दिल में रहनी चाहिए, थाने जिले के पूरे दिल में रहनी चाहिए, पूरे महाराष्ट्र के दिल में रहनी चाहिए। इसलिए धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम से हमने ये यहाँ पे टूर्नामेंट रखी है।
16 संघों ने हिस्सा लिया, जिसमें 8 ग्रामीण थे, मतलब न्यू बॉम्बे के थे, और 8 जो ओपन है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ी यहाँ पे खेलने को आते हैं। फर्स्ट जो प्राइस था यहाँ पे जो 2,22,000 का था, सेकेंड जो प्राइस था वो 1,11,000 का था, बाकी जो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज ये सब रहते हैं। मैन ऑफ द सीरीज में यहाँ पे एक LED TV भी था 40 इंच का, इस तरह से सब यहाँ पे प्राइजेस रखे गए थे। पलक इलेवन नाम देने का ये जो निर्णय था, वो जो मेरे टीम मैनेजमेंट है उन्होंने बोला कि सर हम लोग हर बार आदित्य का नाम रखते हैं तो आगे पीछे होता है, इस बार पलक का नाम रखेंगे, हम डेफिनेटली जीतेंगे, और भगवान की कृपा से हम लोग ये बार डेफिनेटली जीत भी गए हैं। हमारे इसमें बोलते हैं दुग्ध सरकार योग, मराठी में जो बोलते हैं, तो सच में मैं बहुत ही बड़ी खुशी है। मेरे सब जो यहाँ के जो पूरे आयोजक हैं मेरे, उनको बड़ी खुशी है, मेरे गांव को बड़ी खुशी है, और मेरे शिवसेना परिवार को, मेरे युवा सेना परिवार को, मेरे शिवसेना महिला आघाड़ी परिवार को बहुत बड़ी खुशी है कि हमने जो टूर्नामेंट रखी, हमारे दिगे साहब के नाम से टूर्नामेंट रखी, उसमें हमारा फर्स्ट नंबर आया है। वहीं टूर्नामेंट जीतने वाले पलक 11 टीम के कैप्टन ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। बहुत मैच बहुत टफ था, पर हमारे प्लेयर्स ने, ओपन का टीम था और हम ग्रामीण की टीम थी, पर हमने उनको बहुत बड़े रनों से, मार्जिन से हराया, तो हमको बहुत खुशी हुई। इस मैच में इम्पोर्टेंट बात है कि जो कि हमारे बल्लेबाज है, हमारे बल्लेबाजों में 80+ रन बनाए, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत अच्छा था, और हमारे बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बैटिंग की और हमने उनको हराया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।